मैं कंबोडिया का मास्टर हूँ। मैं जब एटोमी के मिलने से पहले कैसे जी रहा था पीछे देखना नहीं चाहता हूँ। 1975 का साल है जब वहाँ पे पोलपोस नाम का आतंक उन्होंने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था और हम लोग का ट्रेडिशनल शादी तक रोक दिया गया था। इसलिए जब हम लोग ने शादी करने का सोचा, मैं और मेरी वाइफ ने, तो हम लोग एक जगह पे 22 लोग एक ही कपड़े में थे और मेरा शादी भी यहाँ तक जबरदस्ती करवा दिया था। तो हम लोग ने फिर वहां पे से डिसाइड किया कि कैसे हम लोग को जीतना है। अब हम लोग एटोमी के बारे में बताएंगे। एटोमी 2016 में जब मैंने ज्वाइन किया वहां पे कंबोडिया में जब खुला था, तो 2014 से मैं इसका मेंबर था फरवरी अप्रैल में, और मैंने खुद से एटोमी के होम पेज से जाके वहाँ पे लॉगिन किया, अपना मेंबरशिप लिया था। उसके दो महीने के बाद जब एटोमी कोरिया में खुला तो वहाँ पे सक्सेस सेमिनार में मैं वहाँ पे शामिल हुआ। तो मैं अपने परिवार में पहला मेंबर था जो एटोमी का था। यहाँ पे जब मैंने वहाँ अटेंड किया तो लैंग्वेज का ही बैरियर था, लेकिन यहाँ के लीडर इन्होंने मुझे सिखाया कि ये सब बहुत ही छोटा सा बैरियर है, हम लोग इसको जीतना होगा। और उस दिन है और आज का दिन है जब मैं सोच नहीं सकता कि मैं बिना एटोमी के मैं जीवित रह सकता हूँ। सच में जो एटोमी जो सबसे पहले लोगों के बारे में, लोगों की आत्मा के बारे में सोचता है। अभी कोरोना का टाइम है, हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं, हर जगह का इकोनॉमी डाउन है, पूरे दुनिया के लोगों के लिए ये खतरा है, हम लोग उस खतरे में जी रहे हैं। उस समय में हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर पाक इस वीडियो के माध्यम से हमें मैसेज दे रहे हैं कि आंधी आए हमें जाना है। इस समय के इस कोरोना के टाइम में हम लोग को एक साथ में ऐसा कितना जल्दी अपने आप को बदल सके, कितना जल्दी हम लोग अपने आप को इस परिस्थिति का रूप ढाल सके कि आने वाला समय हमारा एक खुशी का दिन लेके आए। इसलिए जो एटोमी का मोटो है उसके लिए वो हमेशा मैं अपने दिल में रखता हूँ और उसी के अनुरूप मैं काम करता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएगा, मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, बस मुझे अपने पार्टनर को आगे बढ़ता हुआ देखना है। सॉरी, मुझे कुछ और बताना है। एटोमी से हम लोग का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन इस बार जो है एक मैं ऐड करने जा रहा हूँ, और वो यह है कि जो शादी का कपड़ा होता है, मेरी वाइफ ने एक बार भी नहीं पहना था क्योंकि हमारी जबरदस्ती शादी हो गई थी, इसलिए आज हम लोग ने उसको फिर से पहना। थोड़ा सा शर्म आ रही है कि उम्र हो गई है, लेकिन एटोमी है और इस एटोमी ने जो हम लोग का जीवन बदल दिया है, हम लोग हैं कि और अच्छे इंटरेस्टिंग लाइफ जी रहे हैं। और आप लोग को एक सच्चे दिल से, आप लोग जो भी एटोमी वाले मेंबर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो आज हेल्थी लाइफ जी रहा हूं आपकी वजह से।